Hello everyone, you are watching Shilpi Gupta Law Lectures and in this video I will be discussing about writs. Writs एक ऐसा टॉपिक है जिसे ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. Constitution guarantees us various types of fundamental rights like equality, freedom, liberty, etc. And if these rights are violated, we can approach to court for seeking remedy. These remedies which the court give us are in the form of writs. It is a device giving a quick remedy for protection of rights against encroachment by the governmental authority. So writs वो ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यू करता है ताकि हम लोग के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. There are so many fundamental rights which are guaranteed by the Constitution of India. लेकिन अगर प्रोटेक्शन नहीं है ये सब फंडामेंटल राइट्स का तो ये मीनिंगलेस है. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी. यानी जहाँ राइट है उस राइट को प्रोटेक्ट करने का रेमेडी ज़रूर होना चाहिए, और अगर रेमेडी नहीं है तो इस राइट का कोई वैल्यू नहीं है. सिमिलरली अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स का कोई वैल्यू नहीं होता. एज सच रिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन through which the Supreme Court and the High Court gives us the remedy. The Supreme Court under Article 32 issues writs and the High Court under Article 226 issues writs. Dr. B.R. Ambedkar को जब पूछा गया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उनके नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस होता. आर्टिकल 32 को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में डाला हुआ है. दैट मींस आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. इसका मतलब कि अगर कोई पिटिशनर एस्टैब्लिश कर दे कि उसका फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंच हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है रिट इशू करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट का कोई डिस्क्रिशन इस आर्टिकल में नहीं अप्लाई होगा. एज सच जहाँ एक तरफ इंडिविजुअल का राइट है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का, वहां दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करे. हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट अंडर आर्टिकल 226. द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू रिट इज कंसिडर्ड टू बी वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और वो इसलिए क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पे ही इन्वोक किया जा सकता है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट ना ही खाली फंडामेंटल राइट्स बल्कि और अगर कोई अदर राइट्स वायलेट हुआ तब भी अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 5 तरीके का रिट्स इशू करता है. पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा सर्शियोरारी, चौथा प्रोहिबिशन और पांचवा क्वो वारंटो. आइए एक एक करके इस रिट्स को डिस्कस करते हैं. Writ of habeas corpus means you may have the body. The detaining authority is directed by the court to produce the person physically in the court, and then it will determine that whether his detention was legal or illegal. If the court finds that the detention is illegal, the court will immediately grant the release of that person. Iska matlab, अगर स्टेट ने किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है या उसको जेल में डाला हुआ है, तो वो आदमी या उसके बिहाफ में उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई भी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कोर्ट में फाइल कर सकता है. और अंडर दिस रिट कोर्ट ऑर्डर इशू करता है अगेंस्ट द स्टेट कि उस आदमी को आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो, और कोर्ट उसका ट्रायल चलाता है. और अगर कोर्ट को लगता है कि वो डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट इमीडिएटली उसको रिलीज करने का ऑर्डर पास करता है. एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं जिसे हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ तो बहुत लोगों को डिटेन करके रखा गया, और जब वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किए तो डिसीजन आया कि इमरजेंसी के समय सारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 सस्पेंडेड रहेगा, और इसीलिए डिटेंशन को भी अंडर रिट पिटीशन फाइल नहीं किया जा सकता. इस डिसीजन को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा.
और बाद में इस डिसीजन को ओवररूल किया गया। आर्टिकल 21 के लिए कहा गया कि इसे एमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता और कोर्ट रिट पिटीशन के द्वारा डिटेन्यू को रेमेडी दे सकता है। नेक्स्ट कम्स रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में पिटिशनर अपना सजा काट चुका था लेकिन उसको रिलीज नहीं किया गया और 14 इयर्स तक कस्टडी में रखा गया। फिर वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के अंडर कोर्ट में पिटिशन फाइल किया जिसमें कोर्ट ना ही उसको इमीडिएटली रिलीज करने का ऑर्डर दिया बट इसके साथ साथ स्टेट को कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी पास किया। अनादर क्वेश्चन अरोज दैट हु कैन फाइल अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। Either the petitioner himself or any person on his behalf can file a writ of habeas corpus. Now, in Sunil Batra 2 versus Delhi administration, a letter which was written by a convict to the judge of the Supreme Court was taken to be the writ petition of habeas corpus. Now comes writ of mandamus, which means command. The superior court gave command to the lower court, tribunal or any governmental authority to perform its duties if they fail to perform. अगर कोई governmental authority अपना duty perform नहीं किया तो superior court उसको direction देता है कि आप अपना duty perform करो. Let us understand this with the help of two cases. First one, Ratlam municipality versus Vardhichand. In this case, against Ratlam municipality एक writ petition file हुआ कि गार्बेज उठाना, सफाई रखना म्युनिसिपैलिटी का पब्लिक ड्यूटी है जिसे रतलाम म्युनिसिपैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोर्ट रिट ऑफ मैंडमस इशू करते हुए कहा कि म्युनिसिपैलिटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और उसको अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट केस इज गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेज लोटस होटल। इन दिस केस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन made an agreement with Lotus Hotel that it will give funding for construction of Lotus Hotel. But later on, Financial Corporation deny kar diya funding dene ke liye, mana kar diya. So, Lotus Hotel has filed a writ of mandamus against Financial Corporation. Court is writ ko allow karte hue direct kiya Financial Corporation ko ki fund immediately release kare. Financial Corporation ek statutory body hai aur apne promise से बैक नहीं हो सकता एंड इट कंपेल्ड इट टू परफॉर्म इट पब्लिक ड्यूटी। नेक्स्ट रिट इज रिट ऑफ सर्शियोरी विच मीन्स टू सर्टिफाई। थ्रू दिस रिट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कमांड्स द लोअर कोर्ट टू सबमिट इट्स रिकॉर्ड फॉर रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ लोअर कोर्ट एंड रिव्यू इट एंड इफ दे फाइंड दैट द जजमेंट गिवन आर इलीगल देन इट क्वेश्चंस इट। लोअर कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है जो इलीगल है जैसे कि जुरिस्डिक्शन के बाहर हो या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर नेचुरल जस्टिस रूल को वायोलेट करके एक डिसीजन दिया हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस डिसीजन को रिव्यू करता है, चेक करता है, रीचेक करता है और अगर उसे लगे कि ये डिसीजन इलीगल है तो उसे क्वैश कर देता है यानी उस डिसीजन को फॉलो ना करने का ऑर्डर पास कर देता है। A.K. Kripak versus Union of India में एक सिलेक्शन कमिटी के डिसीजन को चैलेंज करते हुए रिट ऑफ सर्शियोरी फाइल किया गया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमिटी ने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लिस्ट को क्वेश किया क्योंकि इस लिस्ट के एक कैंडिडेट उस कमिटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर था सो वहां पर चांस ऑफ बायसनेस था और इसीलिए उसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। नेक्स्ट केस इज गुलापली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्ड द डिसीजन व्हिच वाज गिवन बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिगार्डिंग नेशनलाइजेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हु गेव हियरिंग वॉज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर एज सच Principles of natural justice was violated in this case. Next writ is writ of prohibition, which means to forbid or to stop or to stay. The Supreme Court and the High Court may issue this writ against the lower court in order to stop them from continuing a proceeding of a particular case if they try to exceed or abuse the jurisdiction vested on them.
रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यू करके सुपीरियर कोर्ट रोक लगा देता है लोअर कोर्ट के ऊपर ताकि लोअर कोर्ट कोई गलती ना कर दे. दिस रिट इज बेस्ड अपॉन द प्रोवर्ब दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी गलती होने से पहले ही रोक दो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन. सर्शियरी इशू होता है ताकि एक जजमेंट जो पास हो चुका है उसे क्वैश कर दे, और रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होता है ताकि एक डिसीजन जो पास होने वाला है उसे रोका जा सके. इन अब्दुल कादिर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, लाइसेंस फी वॉज लेविड बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. एज सच द कोर्ट इशूड रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड stop them to impose such license fee. Similarly, in Mathura Prasad was the state of Punjab also, tax was tried to be imposed upon a commodity which was not included in the taxable item. As such, the court issued the writ of prohibition and stopped the authority from imposing the tax upon that commodity. The last writ is writ of quo warranto. Quo warranto means by what authority? The court asks the public officer that under what authority you are holding this office, and if it is found that the title is defective, he has to vacate the office. अगर एक public officer एक position hold किया है और उसके eligibility पर question उठा है, तो court writ of quo warranto issue करता है और उसे direct करता है कि अपना stand को clear करो. अगर वो officer अपने eligibility को establish नहीं कर पाता तो उसे वो ऑफिस को छोड़ना पड़ता है. क्वो वारंटो सिर्फ एक पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही इश्यू होता है. जी डी कारकड़े वर्सेस टी एल शेवड़े. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि एडवोकेट जनरल एक पब्लिक ऑफिस है और रिट ऑफ क्वो वारंटो इस ऑफिस के अगेंस्ट इश्यू किया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट रिट ऑफ क्वो वारंटो इश्यू नहीं किया जा सकता. So, these are the five writs through which the Supreme Court and the High Court protect our rights and provide speedy remedy. I hope this video will help you in understanding the concept of writs. Thank you.